संपूर्ण जगत कल्याण हेतु भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी की रचना की है और इसे पढ़ते हमें पता चला कि हम सब एक आत्मा है और हम सब आत्माओं के लिए जिंदगी एक इम्तिहान है। इम्तिहान अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का। तो आइए साथी मित्रों, गीता ज्ञान को आगे बढ़ाए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को गीता जी का अनमोल उपहार दें। अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतां ब्रवीमि ते। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं आपको हमारी सेना में कौन महारथी है और उसकी विशेषताएं बता रहा हूँ। प्रिय दोस्तों, हमारी लाइफ में गीता जी का सार यूज करें तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते हमारे पक्ष की क्या क्या कमजोरी है और क्या क्या विशेषताएं हैं, ये जानना बेहद इम्पोर्टेंट है। अपने साथियों में स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, इसकी नॉलेज हमें बहुत बेनिफिशियल रहती है। भगवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य सिनितिञ्जय अस्वस्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैवच। दुर्योधन कहते हैं द्रोणाचार्य से, स्वयं आप भीष्म पितामह तथा कर्ण आप सब ऐसे हैं जो सदैव विजयी रहे, ऐसे ही अश्वत्थामा विकर्ण भूरिश्रवा और जयद्रथ भी विजयी रहे हैं। एक मैनेजर, एक लीडर और एक शिक्षक को हमेशा अपनी टीम में उत्साह बरकरार रखना चाहिए। माना जाता है कि एंथुजियाज्म से काम करने वाला व्यक्ति अपनी शक्तियों का, अपनी स्किल का 100% आउटपुट देता है। उत्साह वो चीज है मित्रों जो हार को भी जीत में बदल सकती है। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन व्यक्त करते हैं कि सभी महान योद्धा अनेकों अस्त्र शस्त्र से लैस है और सभी युद्ध की कला में निपुण है। अन्य योद्धा भी मेरे लिए प्राण तक न्योछावर करने को तैयार है। दोस्तों, क्या हमारे जीवन में भी कई बार आपत्ति विपत्ति आती है ना, जिसमें हमारे साथ होता है हमारा आत्मविश्वास, हमारा धैर्य, हमारा कौशल्य और हमारे अपने। चाहे आपके पास बल कितना भी हो, पर हाँ दोस्तों, अगर अधर्म का रास्ता चुन लिया तो कभी ना कभी हार पक्की है। अगर धर्म का रास्ता चुना तो थोड़ी कठिनाई, सेटबैक्स हो सकते हैं, पर ईश्वर के साथ हार कैसी, और ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन आगे कहता है, भीष्म पितामह से रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और वहीं शत्रु की सेना भीम के द्वारा रक्षा की गई है जो कि सीमित है। दुर्योधन को यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस आता है। याद रहे मित्रों, चाहे बात एग्जाम की हो या बिजनेस की या फिर कोई और, कॉन्फिडेंस जितना असेंशियल है इतना ही ओवर कॉन्फिडेंस हार्मफुल है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन आगे कहता है कि सबको अपनी अपनी जगह से भीष्म पितामह का रक्षण करना है। कहने का मतलब है, दुर्योधन की सेना के लिए भीष्म पितामह सबसे अधिक आवश्यक है और ऐसे व्यक्ति का हारना मतलब युद्ध हार जाना। प्यारे दोस्तों, अगर जिंदगी को जंग समझ ले और अपने अंदर सबसे ज़्यादा कीमती वैल्यूएबल किसी चीज़ को माने तो वो है अपना चरित्र, खुद का कैरेक्टर। अगर कोई इससे हार जाए तो इंसान की बाकी सारी श्रेष्ठताएं भी मिट्टी में मिल सकती है। जय श्री कृष्ण।